सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। मैं आज आप लोगों को सिखा जा रहा हूँ कि पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज कैसे कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, बहुत ही कम समय की मदद से आप लोग पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल इस टाइप से। जी हाँ फ्रेंड, और लास्ट का स्टेप इतना ही मस्त तरीका का होने वाला है फ्रेंड, जिससे कि आप लोग को कोई भी एडिटर नहीं बताएगा कि आप लोग को पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज कैसे कर सकते हैं, बहुत ही हाई लेवल का सीवी फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। और मैं आज आप लोग को वही चीज़ सिखाने जा रहा हूँ कि आप लोग मस्त तरीके से कम समय की मदद से आप लोग किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज कैसे कर सकते हो, वो भी बिल्कुल इस टाइप की मदद से। सो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप हल्का सा भी मत कीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल पर अभी नए हैं, नीचे जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर एक नई ट्रिक और टिप्स लेकर के आता हूँ आप लोग के लिए। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले आप लोग को अपना रियल पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। जी हाँ फ्रेंड, जिस भी पिक्चर का आप लोग बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, वो पिक्चर को आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। और उस पिक्चर को सिलेक्ट करके आप लोग को शेयर कर लेना है एक एप्लीकेशन के अंदर फ्रेंड, जिसका नाम है पिक्सआर्ट। जी हाँ फ्रेंड, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर इसे शेयर कर लेंगे। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन आप लोग कहाँ से डाउनलोड करेंगे, वो आप लोग को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो प्ले स्टोर से आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही आप लोग अपना उस पिक्चर को शेयर करेंगे फ्रेंड पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर, तो कुछ इस प्रकार से नीचे में इंटरफेस ओपन ओवर किया जाएगा। तो देन फ्रेंड, आप लोग को सिंपल से नीचे टूल्स का ऑप्शन दे रहा है, टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग को एडजस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। एडजस्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड, तो आप लोग को फर्स्ट में ब्राइटनेस का ऑप्शन आ जाएगा। तब अगर आप लोग का पिक्चर पर लाइट वगैरह कम होगा, तो ब्राइटनेस को कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर सकते हैं। और कॉन्ट्रास्ट पर फिर क्लिक करके कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करेंगे, तो हेयर वगैरह आप लोग को ब्लैक हो जाएगा। फिर क्लैरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हल्का सा क्लैरिटी को इंक्रीज कर लेंगे। और ऊपर देखिए फ्रेंड, सही का ऑप्शन दे रहा है, तो सही वाले ऑप्शन पे सिंपल से क्लिक कर लेंगे। उससे क्या होगा, आप लोग अगर फेस पे अगर लाइट वगैरह कम होगा फ्रेंड, तो ये लाइट वगैरह आप लोग को बढ़ जाएगा। तो उसके इतना स्टेप हो जाने के बाद फ्रेंड, आप लोग को करना क्या है, पीछे का बैकग्राउंड आप लोग को चेंज करना है। तो पीछे का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए जो आपका रियल बैकग्राउंड रहेगा, उसे इरेज करना जरूरी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए एक ही एप्लीकेशन की मदद से एक क्लिक में बैकग्राउंड चेंज कैसे कर सकते हैं, चलिए आप लोग का सिंपल प्रोसेस आप लोग को बताते हैं। आप लोग वीडियो पर ध्यान से बने रहिएगा, वीडियो को स्किप हल्का सा भी मत कर लीजिएगा। तो सर सिंपल से फ्रेंड, इस पिक्चर को आप लोग को सेव कर लेना। तो सेव करने के लिए आप लोग को सिंपल से नीचे स्क्रॉल करते आना है, और नीचे में आप लोग को देखिए फ्रेंड, एक ड्रा का ऑप्शन दे रहा है। देखिए फ्रेंड, ये नीचे ड्रा का ऑप्शन दे रहा है, ड्रा वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ड्रा वाले ऑप्शन से आप लोग सेव करने से क्या प्रॉफिट होगा फ्रेंड, कि आप लोग का जो भी पिक्चर है वो एच डी में सेव हो जाएगा। तो ऊपर थ्री डॉट का ऑप्शन दे रहा है, थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेव इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक जैसे ही करेंगे, तो ये फाइनली आप लोग का गैलरी में सेव हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, गैलरी को फटाक से मैंने ओपन कर लेते हैं। तो देन फ्रेंड, देख सकते हैं जो गैलरी में हमारे जो पिक्चर था वो आ गया। अब हम लोग को करना क्या है, इस पिक्चर का बैकग्राउंड है जो इरेज कर लेना है। तो इरेज करने के लिए सिंपल से शेयर कर देंगे फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर फ्रेंड। फोटो रूम एप्लीकेशन भी आप लोग को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, फोटो रूम का ऑप्शन आ गया है, तो साइड वाले फोटो रूम ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे फोटो रूम ऑप्शन पर फ्रेंड, तो जैसे ही देखिए आप लोग को पिक्चर कुछ इस प्रकार से स्कैन करेगा, तो यहाँ सिंपल से आप लोग को कट कर देना है, तो ये आप लोग का प्रोसेस चालू कर देगा। देखिए फ्रेंड, एक ही क्लिक में आप लोग को आराम से बैकग्राउंड जो था वो इरेज कर दिया है। तो जैसे ही बैकग्राउंड इरेज होगा फ्रेंड, तो आप लोग को सिंपल से क्या कहाँ पर क्लिक कर लेना है, आप लोग को सिंपल सी है नीचे देख सकते हैं, ऊपर की ओर स्क्रॉल करके से ट्रांसप्लेंट का नीचे एक ऑप्शन दे रहा है, ट्रांसप्लेंट वाले ऑप्शन पे आप लोग को सिंपल से क्लिक कर लेना है। जैसे ही ट्रांसप्लेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऊपर आप लोग को शेयर का ऑप्शन दे रहा है, तो शेयर वाले ऑप्शन पर सिंपल से क्लिक कर लेना है। जैसे ही शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फ्रेंड, आप लोग को सामने एक और इंटरफेस खुल के आ गया, सेव टू गैलरी। तो सेव टू गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही सेव टू गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऊपर डन का ऑप्शन दे रहा है, डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, तो ये जो बैकग्राउंड इरेज की है, ये पिक्चर आप लोग को गैलरी में सेव हो जाएगा। तो चलिए फिर सिंपल से आप लोग को गैलरी ओपन करते हैं। गैलरी ओपन करने के बाद देखिए फिर, जिस भी पिक्चर का बैकग्राउंड इरेज किए थे, ये यहाँ पर पिक्चर आ गया। अब आप लोग को सिंपल से प्रोसेस क्या करना है फिर, जिस भी पिक्चर का आप लोग को बैकग्राउंड लगाना है पीछे, तो बैकग्राउंड आप लोग को सेलेक्ट कर लेना। तो वो बैकग्राउंड आप लोग को सेलेक्ट कर लेना चाहिए, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वरना मेरा ये बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड का लिंक अगर आप लोग चाहते हैं कि डाउनलोड करें ये बैकग्राउंड, तो उसका लिंक आप लोग को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग ये बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करके इसे सिंपल से शेयर कर लेंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए इसे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लेते हैं। तो जैसे ही शेयर करेंगे, तो ये हमारा जो पिक्चर था ये यहाँ पर आ चुका है। देखिए फ्रेंड, आ चुका है इस प्रकार से पिक्चर। यहाँ से सिंपल से कुछ गलत प्रोसेस हो गया फ्रेंड, यहाँ से ऑप्शन खुल गया था। तो चलिए इसे बैक कर लेंगे, तो देखिए ये जो हमारा पिक्चर था ये आ चुका है। तो आने के बाद नीचे आप लोग सिंपल से देखिए स्क्रॉल करते जाएगा, तो आप लोग को नीचे एक ऐड फोटोज का ऑप्शन दे रहा है। आप लोग को ध्यान से देख लेना है, यहाँ पर नीचे ऐड फोटोज का ऑप्शन दे रहा है, तो आप लोग को सिंपल से ऐड फोटोज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है।
सो फ्रेंड जैसे ही आप लोग ऐड फुटेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आ लोग का एक गैलरी का एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो जिस भी पिक्चर का आप लोग बैकग्राउंड रेज किए थे फ्रेंड, जैसे मैं आप लोग देख सकते हैं ये बैकग्राउंड रेज किए थे इसका, तो ये हमारा पिक्चर को सेलेक्ट कर लेना है। सिंपल से सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड ऊपर ऐड का ऑप्शन दे रहा है, ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो आप लोग को नीचे एक एरो का ऑप्शन दे रहा है फ्रेंड, एरो को ऐसे ऊपर ड्रैग करके से खींच करके बड़ा कर लेना, जितना आप लोग रखना चाहते हैं बैकग्राउंड इतना आप लोग को बड़ा कर लेना है और कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना है। जी फ्रेंड देख सकते हैं कितना ही मस्त तरीके से एडजस्ट हो चुका है। एडजस्ट होने के बाद फ्रेंड आप लोग को सिंपल से कहाँ क्लिक करना है, ऊपर राइट का ऑप्शन दे रहा है, राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं जो हमारा पिक्चर था यहाँ पर सेट हो चुका है। सेट होने के बाद फ्रेंड आप लोग को सिंपल से स्क्रॉल करके फिर से टूल्स वाले ऑप्शन पर चले जाना है। टूल्स का ऑप्शन पर आने के बाद फ्रेंड एडजस्ट का ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। हल्का सा आप लोग को ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेना है। हल्का सा ब्राइटनेस इंक्रीज करने के बाद कॉन्ट्रास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कॉन्ट्रास्ट को भी हल्का सा इंक्रीज कर लेना है। इतना इंक्रीज करना है पिक्चर दिखने में अच्छा लगे। उसके बाद क्लैरिटी का ऑप्शन पर क्लिक करना है, आप लोग क्लैरिटी को भी इंक्रीज कर लेना है। जैसे क्लैरिटी वाले ऑप्शन पर इंक्रीज करेंगे फ्रेंड तो देख सकते हैं क्लैरिटी कितना ही मस्त तरीके से हो गया। देखिए फ्रेंड आप लोग को बिफोर और आफ्टर दिखा रहे हैं, कितना ही मस्त तरीके का एकदम लाइट आ गया। और हाँ फ्रेंड आप लोग को बताना चाहते हैं अगर आप लोग भी कुछ इस टाइप का फेस स्मूथ करना चाहते हैं तो उसका भी डेडिकेटेड वीडियो आप लोग को वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जाकर अगर फेस स्मूथ वीडियो फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक दिया हुआ, आप लोग वो भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो सिंपल से इतना सब होने के बाद फ्रेंड आप लोग को सिंपल से ऊपर राइट का ऑप्शन दे रहा है, तो राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड देख सकते हैं कितना मस्त तरीके से यहाँ पर पिक्चर था जो लग चुका है। लगने के बाद फिर आप लोगों से सेव करने के लिए सिंपल से प्रोसेस करना है, स्क्रॉल करना है, वही ड्रा का ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ड्रा वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड तो आप लोग को ऊपर थ्री डॉट का ऑप्शन दे रहा है, थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे सेव इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो ये फाइनली आप लोग का गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। सो फ्रेंड आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर आप लोग के लिए टिप्स और ट्रिक्स ले करके आता हूँ। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर।